अमित शर्मा। अमित जी क्या बात हुई सर मेंदेकुल जी को, आप ऑफिस पर आज आप गए थे तो आप फिर आता पे गए, कहिए कौन से लोग? आज क्या हुआ, हम सब गली गए 30-40 लोग वहाँ पर गए, हमने शांतिपूर्वक उनसे अंदर बात करने की कोशिश करी, उन्होंने 2 महीने से हम जा रहे थे, उन्होंने हमें अंदर बुलाया, गोयल साहब के बंदे आए कि अंदर बुला रहे हैं विधायक साहब, हम चले गए। हमारे वहाँ जाने से विधायक साहब कहते ये लाइन कौन सी है, मगर जी प्राइवेट लाइन है, तो कह रहा ये मेरी कुछ सरदर्दी नहीं है फिर भी मैं करा रहा हूँ। मगर अच्छा जी, मगर आपका जो आपने लिखित में वो दे रखा है सबको कि ये सीवर का काम सारा मैं कराऊँगा, नए मैं बनवाऊँगा, ये करूँगा, मगर इसका कोई जवाब नहीं। वो एकदम भड़क गए, फिर कहते हैं इस मीडिया वाले को तुमने पैसे दे के, जब हमारे पास पैसे ही होते तो हम यहाँ पिटने आते। मेरी वाइफ को वहाँ उन्होंने धक्के मार रहे हैं, इनको मारा, इनकी उंगली में भी लगी हुई है, एक मेरे दोस्त हैं उत्तम गुंता, उनको हत्तापाई हुई है, हमारे पास सबूत भी हैं सारे के सारे, उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया। विधायक साहब सामने खड़े होकर देख रहे हैं कि हाँ हमारे बंदे पीट रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पैसे ही होता हम पत्रकारों को खरीदने लायक हो, पत्रकारों को सरिता शर्मा, हम 2 महीने से हम लोग सीवर की कंप्लेन लेकर महेंद्र जी के ऑफिस आ रहे थे, महेंद्र जी के घर ऑफिस में आ रहे थे, जहाँ हम लगातार यही कंप्लेंट दे रहे थे कि हमारी जो सीवर है वो बहुत भर चुके हैं, उसमें रोज़ कोई ना कोई गिर जाता है, चोटें लगती हैं, बच्चे सारी गली के बीमार हैं, तो कृपया करके इसको सोल्यूशन दीजिए। तो वो रोज़ यही कह देते थे मैडम आप घर पहुँचेंगे, इससे पहले आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे करते करते 2 महीने हो गए, आज हम लोग पहुँचे यहाँ पर। तो आज हम लोग 35 से 40 बंदे थे और हमारे साथ एक मीडिया वाले भी थे, तो वो यही कहने लगे कि आप इनको क्यों लेकर आए हो यहाँ। तो हमने कहा कि ठीक है बाहर थे तो मिल गए, ले आए साथ में, और आप इसका रिपेयर करवा दीजिए। तो कहने लगे पहली बात तो ये है कि विजय विहार से कोई वोट हमारे पास नहीं आता है और विजय विहार का कोई हमारे पास फंड नहीं है, तो ये मैं नहीं करवा सकता, आप सीधा केजरीवाल के पास जाओ। ऐसा करते करते वो एकदम से कह रहे मीडिया वाले को बाहर निकालो, ये करो, उसके उनके साथ हाथापाई करने लगे। हाँ मेरे साथ भी हाथापाई करिए, देखो चोट लगी है, नाम तो मैं नहीं जानती, शक्ल से पहचान जाऊंगी, ऐसे धक्का कालीचरण नाम नहीं जानती, कालीचरण बता रहे हैं सब लोग। तो इन लोगों ने बहुत मिसबिहेव किया है और लगातार 2 महीने से भी करते ही आ रहे थे, कभी बोलते थे कि ना हम वोट नहीं मांगने आते और वोट मांगने आएंगे ना तो कुत्ते की थाली में खिलाना हमें खाना, अगर हम आपसे वोट मांगने आए जाओ अपने घर जाओ, और कोई हमारे पास पैसा नहीं है विजय विहार को रिपेयर कराने का, बैठो वहीं पर, बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं गली के सारे बच्चे, टाइफाइड जॉन्डिस से परेशान है, मेरा खुद का बच्चा अभी 10 दिन अंबेडकर में एडमिट हो गया है, उसके बाद भी हम लोग रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं इन लोगों की, यही वेडिंग जाओ केजरीवाल के पास जा। मामला रवि भाई पूरा मामला ये था कि यहाँ पर विजय बिहार के अंदर समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, रोडों के ऊपर पानी, गलियों के अंदर पानी पूरा भरा हुआ है और लोगों के घर में इतना इतना पानी घर के अंदर घुस रहा है, गंदा पानी घुस रहा है, मतलब गंदा पानी पी के लोग बीमार हो रहे हैं, लगभग 30-40 लोग विजय बिहार की जनता जो है विधायक लोकप्रिय विधायक महेंद्र गोयल जी के दफ्तर के बाहर बैठ करके अपनी समस्या को रखना चाह रहे थे, लेकिन विधायक जी ने एक बार भी, मतलब उन लोगों को बताया था, उन लोगों ने मुझे कि हमें 1 घंटा से ऊपर हो गया है विधायक कार्यालय के बाहर यहाँ पर मौजूद है हम लोग समस्या बताने के लिए, लेकिन विधायक जी 1 मिनट के लिए भी अपने दफ्तर की एसी को रूम को छोड़ करके समस्या सुनने के लिए उनके पास नहीं पहुँचे। जब वो लोग नहीं पहुँचे, विधायक जी नहीं पहुँचे, तो इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बुलाया कि ऐसे ऐसे हमारी कवरेज कर दो, इन भैया ने मेरे को मतलब जो है बुलाया था, और जब मैं इनकी कवरेज करने के लिए पहुंचा तो मैंने इत्मीनान से इन लोगों की पूरी बात सुनी, इत्मीनान से पूरी इन लोगों की बात सुनने के बाद मैं विधायक जी के पास, मैंने कहा चलो एक बार विधायक जी के पास चलते हैं और विधायक जी का भी पक्ष रखते हैं। जैसे मैंने विधायक जी के पास जो है माइक लगाया, मैंने कहा विधायक जी कि उन्होंने मतलब इनको देख करके इस प्रकार के शब्द बोले कि मैं बिके हुए पत्रकारों से और क्या नाम है इस तरह के जो चैनल है जो एक पक्ष की खबरें चलाते हैं, मैं उस तरह के चैनलों से जो है बिल्कुल खफा हूँ। मैंने कहा विधायक जी किसके बारे में बोल रहे हो, मैं सामने हूँ तो किसके बारे में बोल रहे हो? उन्होंने कहा मैं तुम्हारे ही बारे में बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते तुम्हारे ऊपर 15 तरह की जो है FIR हो रखी है। मैंने कहा अरे उसका क्या दिक्कत है, अगर 15 है 20 है 50 है, फिर मैंने ये कहा, मैंने कहा 15 तरह की FIR तुम प्रमाण कर दो पहली बात तो, अगर जिस दिन तुम 15, फिर कह रहा हूँ विधायक जी अगर इस खबर को देख रहे रवि की, तो अगर वाकई 15 FIR जिस दिन आप मेरे खिलाफ की दिखा दोगे, मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा और चैलेंज दे रहा हूँ, यदि आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अगर 15 नहीं दिखाते तो क्या आप अपनी विधायकी छोड़ दोगे? दूसरा, उसके बाद इन लोगों के 4-5 लोग अंदर थे जो उन लोगों ने अपने मोबाइल में उन्हीं के पक्ष के थे जो आम आदमी पार्टी के, वो लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे हम लोगों का और हमारे मोबाइल के कैमरे को बंद करवा रहे थे। अगर मैं मोबाइल का अपना कैमरा बंद कर देता और वो किसी भी तरह का मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा देते तो मैं क्या करता? उनके कैमरे चल रहे हैं तो ठीक है, हम लोग अपना कैमरा चला रहे हैं तो गलत है।
उसके बाद हम लोगों की जब कैमरा हम लगातार कंटिन्यू चलाते रहे तो हमारा जो माइक था वो तोड़ दिया, जो कॉलर माइक था वो तोड़ रख दिया, मतलब अभद्र तरीके से वो लोग पेश आने लगे, गुंडागर्दी टाइप का जिसे आप बोल सकते हो सीधा सीधा, क्योंकि वहाँ पर ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष तरीके से अपनी बात ना रख करके वो लोग गुंडा ही कर रहे थे। इनकी मैडम के साथ बक्का करी, धक्का मुक्की करी, बाकी मैं चाहूंगा कि पैसे के लिए, बाकी मैं फिर ये कहते हैं कि क्या नाम है, आप लोग पैसे लेके कवरेज करते हो, मेरे बारे में बोला कि आप पैसे लेके कवरेज करते हो। मैं फिर दूसरा चैलेंज देता हूं विधायक महेंद्र गोयल जी को ही नहीं, तमाम नेताजी लोगों को दिल्ली के, जहां जहां मैंने कवरेज किया, तमाम को चैलेंज है कि वाकई अगर कोई एक बार ये कह दे और दिखा दे कि मेरे से इतने पैसे कवरेज के लिए, तब भी मैं पत्रकारिता छोड़ूं, और वो प्रूफ नहीं कर सकते तो अपनी जो है पार्षद है तो पार्षद छोड़ दे, विधायक है तो विधायिका छोड़, मतलब अपनी नेतागिरी छोड़ दे, चैलेंज है इस बात का, कोई प्रूफ कर दे तो। अच्छा, अब मैं चाहूंगा एक बार आप इनसे भी बात करो, क्योंकि इनकी मैडम को धक्का मुक्की हुई है और इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया है।